गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल यूके जे व्लॉग और मैं आपके साथ उमेश। और गाइस हम आपके लिए नया लोकेशन लेके आए, तो आज हम एक कैफे में आए हैं, मेरा फ्रेंड का कैफे। तो चलो मैं आपको शेयर कराता हूँ। कैफे का नाम है फर्स्ट डेट कैफे का नाम ओपन कैफे है ना, टेरेस कैफे। हाँ, टेरेस कैफे है। और गाइस बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे मैं आए तब उसका प्लेस वगैरह सारा देखा। तो हम यहाँ का आपका इंट्रो भी बताएगा किस तरह का है सारा, मतलब यहाँ का किस तरह का पार्टीज वगैरह होता है, क्या होता है सब कुछ बताए। मतलब सब यहाँ का जो इंटीरियर है उसका सारा वीडियो लिया हुआ है। और गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेस है, पार्टी के लिए भी प्लेस अच्छा है। और दो प्लेसेस किया हुआ है इन लोगों ने, यहाँ पे एक सोफा वाला सीटिंग एरिया जो है वो सोफे वाला भी, एक पार्टी के लिए और एक अलग थीम की है। टोटली तीन थीम है इनकी, तो सारी अलग अलग है। कपल बॉक्स भी है कपल लोगों के लिए। और गाइस यहाँ पे कपल बॉक्स भी अवेलेबल है, अगर कोई कपल आना चाहता है तो आ सकता है। वो बहुत ही अच्छी सेटिंग अरेंजमेंट की हुई है, उसकी भी हमने वीडियो वहाँ पे कैप्चर किया हुआ है। और जैसे यहाँ पे नाइट में भी बहुत अच्छा चलता है। तो अभी हम ऑर्डर देंगे, भैया हमारा ऑर्डर ले लो ना भैया। क्या ऑर्डर है भैया? एक डीप थाउजेंड फ्रेंच फ्राइज है, ठीक है, एक मैगी है और एक चीज़ी लवर पिज़्ज़ा है। गाइस इनके यहाँ का चीज़ी लवर पिज़्ज़ा बहुत ही अमेजिंग आता है, मैं पहले भी यहाँ पे विज़िट कर चुका हूँ इसीलिए मुझे पता है। तो आप भी यहाँ पे आओ। और भैया एक है ना, एक मॉकटेल दे देना, कोई भी एक मॉकटेल अच्छा आपके आपका जो यहाँ पे स्पेशली हो मॉकटेल में वो दे देना, ठीक है। गाइस ये जो ऑर्डर किया था हमने वो सारा ऑर्डर हमारा आ चुका है। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज है, मसाला मैगी है और चीज़ी लवर पिज़्ज़ा है और थ्री लेयर मॉकटेल, ठीक है, इनके यहाँ का स्पेशल है थ्री लेयर मॉकटेल। और गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, ये प्रिपरेशन अच्छी, प्रिपरेशन भी अच्छी की है। तो हम फूड टेस्ट करते हैं और फिर आपको रिव्यू देते हैं। तो गाइस हम फूड टेस्ट करते हैं। गाइस बहुत क्रंची है और पेरी पेरी भी अच्छा है, पेरी पेरी डाला हुआ है तो बहुत ही अच्छे से बनाया है पिज़्ज़ा टाइगर, बहुत अच्छा है। उमेश और ये है चीज़ी लवर पिज़्ज़ा गाइस, चीज़ कितना डाला है देख सकते हो आप, क्रंची है। मैं तो मैगी खाऊंगा, पिज़्ज़ा यूनिक है भाई। गाइस बहुत गर्म है मैगी और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, टेस्ट करते हैं। ऑसम पिज़्ज़ा है। वैसे मैगी बहुत ही अच्छी है, इसके अंदर मतलब दो तरीके के मसाले डाले हुए और इतनी स्पाइसी है, बहुत ही अच्छी है, टेस्ट में भी अच्छा लग रहा है।
तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो और खाओ यहाँ पे। यहाँ का फूड आपको कैसा लग रहा है हमको भी कमेंट में बताना। और गाइस हम यहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हो, आप आ सकते हो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे कैपेसिटी है कुछ 150% की कैपेसिटी है। अगर किसी को यहाँ पे स्मॉल फंक्शन भी करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बड़ा, मतलब जगह बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी है। उन्होंने जो पिज़्ज़ा बनाया वो क्रंची और स्पाइसी है। और गाइस नाइट के लिए ये ओपन भी है, पूरा कैफे भी ओपन हो जाता है। अगर आपको ओपन करना है, आपका स्मॉल फंक्शन है, तो आप ये कैफे ओपन भी करवा सकते हो। और इसकी जो भी डिटेल्स है हम सारी डिस्क्रिप्शन में देंगे गाइस, तो आप कृपया डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, फ्रेंच फ्राइज बहुत क्रंची है और पेरी पेरी भी आप देखोगे ना तो बहुत ही अमेजिंग दृश्य किया हुआ है सारा। गाइस इसमें तीन फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी, लीची और मैंगो। इस पर थ्री लेयर में ये मैंगो, ये लीची और ये स्ट्रॉबेरी है। और आपको इसका टेस्ट कैसा है ये जानने के लिए हमारा व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। तो गाइस पूरा व्लॉग देखना, टेस्ट करा दो ना हमारा। इनों का स्वाद आ रहा है एकदम रिच, रिच टेस्ट आ रहा है एकदम। ऐसा लगा बड़े भैया। गाइस ये मॉकटेल बहुत ही अच्छा है और इसके अंदर तीन फ्लेवर है, लीची, स्ट्रॉबेरी और लीची, अरे मैंगो, ये तीन फ्लेवर है। गाइस आपको ये पीना, मतलब इसको एक ट्रिक रहती है पीने के लिए। इसको मैं अगर तुमको स्ट्रॉबेरी पीना है तो लास्ट में अभी स्ट्रॉ अंदर डालो और फिर स्टार्ट करो, ठीक है। इस तरह का पियोगे तो आपको तीनों के कम्प्लीटली टेस्ट आएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अलग अलग, मतलब साथ में मिक्स करके पीना है, तो आप उस तरह भी कर सकते हो। पूरा मिक्स कर लो और फिर बाद में पियो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो गाइस हमने यहाँ पे फूड टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा बनाया था। यहाँ पे जो भैया है, उनके ओनर तो नहीं है, उनके ओनर से मेरी बात हुई, मगर जो भैया है उन्होंने फूड हमको बना के दिया, बहुत ही टेस्टी था। और गाइस आप यहाँ पे आके एक बार टेस्ट कर सकते हो, कैसा लगेगा आपको, आप भी बताना हमको कमेंट बॉक्स में कि आपको यहाँ का फूड कैसा लग रहा है। और यहाँ पे सभी टेस्टी वस्तु थी और आप यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हो। एक बार नहीं, मैं तो बोलता हूँ जितनी बार आओगे ना उतनी बार करना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीरियर किया हुआ है सारा, मतलब प्लेस भी ऐसा है ना, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। और नाइट में भी गाइस ये 11 बजे तक ओपन रहता है कैफे, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और गाइस आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो हमारी वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, बने उतना शेयर कर सकते हो हमारी वीडियो। तो जो कि जैसे कि जैसे पर्सनों को, अमुक लोगों को पता नहीं होता है कि इतना, मतलब अमुक जो प्लेस रहता है ना बहुत अच्छे रहते हैं, मगर किसी को पता नहीं रहता है कि ये प्लेस कहाँ पे आया है। तो लोकेशन हम डाल देंगे, लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में डालेंगे और ये लोगों तक पहुँचे ऊँचा कर सकते हो आप। क्या तो गाइस हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।